इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। हथनूर की परिभाषा के साथ में आचार्य समंत भद्र स्वामी के उस श्लोक के माध्यम से जाना कि जब तक हम इन हाथों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक चाहे हथनूर में रहे और चाहे पगनूर में रहें कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे जो हाथ मिले हैं वो हमें कुछ संदेशा दे रहे हैं, चाहे वो अच्छा करने के लिए, दान करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए इन हाथों का उपयोग उसी रूप करें। और ये भी मैंने कहा कि रोटी आप बाजार से नहीं खरीदते, फिर कपड़ा बाजार से क्यों खरीदते हो। खादी का इतिहास गुरु जी की एक प्रिय पुस्तक है जो लगभग 90 साल पहले प्रकाशित हुई, जिसकी प्रस्तावना मोहनलाल करमचंद गांधी, जिनको अपन महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी और उसमें कस्तूरबा ने कोटेशन लिखा कि यदि तुझे इतने ही पतले कपड़े पहनने का सूट है तो तुम अपने हाथ से कपड़े क्यों नहीं बनाती, ये उसमें लिखा। और साथ में ही अपने यहां भारत की, आपको मालूम है, ढाका की जो मलमल थी एक माचिस की डिबिया में आ जाती थी, माचिस की डिबिया, उसके अंदर पूरी साड़ी, आप जो ये साड़ी पहन रखे हैं इतनी पतली हो जाती थी। ये था अपना भारत का एक कपड़ा, लेकिन आज सब विदेश की ओर ताक के और ये सिंथेटिक कपड़े आप पहन पहन के आहार दान आदि कर रहे हैं। तो कल मैंने ये भी कहा कि जैसे रोटी आप बाजार से खरीदना पसंद नहीं करते तो हमारे गुरु जी कहते हैं कपड़ा भी खुद बनाओ और मकान भी खुद है, समझ में आ रहा है, भवन निर्माण। कल रात में ही हम जिस भवन में रुके वो हाथ से बनाया हुआ है, कोई उसमें बहुत बड़े इंजीनियर नहीं आए, आप देखेंगे तो उसकी जो फिनिशिंग है वही बता रही है कि वो हाथ से बनाया, लकड़ी के बड़े बड़े सागौन के पिलर और ऊपर भी लकड़ी नीचे के भी, तो ये सारा का सारा किसका कमाल है, ये हमारे स्वावलंबी होने का कमाल है, ये हमें हथनूर बनने की शिक्षा दे रहा है कि तू हथनूर में आया है तो अपने हाथ से काम कर, दूसरे से किया कराया मत ले, खुद करेगा तभी तेरा कल्याण होगा, अन्यथा दूसरे करके दे रहे हैं। अर्थ के पीछे तो आदमी पैसा दे देगा, इंजीनियर को दे देगा, है ना, वास्तु वाले को दे देगा, लेबर को दे देगा, मिस्त्री को बुला लेगा, खुद नहीं करेगा। ये अपने यहां पर ऐसी संस्कृति नहीं बताई, आज ही हम बता रहे थे, महाराज जी भी बताया कि अपना एक विज्ञान था भवन निर्माण और वो विज्ञान ही भूल चुके, उसको याद करना है, क्योंकि धर्म से विमुख हो गए इसलिए सारी की सारी बीमारियां आ गई। कल भी समंत भद्र स्वामी ने एक ही बात कही कि प्रमाद के कारण हम अपनी आत्मा से कोसों दूर हो गए। अब आत्मा परमात्मा की बात तो बहुत दूर की होती है, हमें पहले इंसान बनाने की बात करनी पड़ती है, हम आपको इंसान कैसे बनाएं। मेरे पास में एक फाइल है, उस फाइल में चार्ट लगे हुए हैं, उस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जानवर से इंसान बनने के नियम, पूरी नियमावली है, और फिर इंसान से जैन बनने के नियम और जैन से श्रावक बनने के नियम, समझ में आ रहा है, तीन चार्ट है ये। अब आज की स्थिति तो ऐसी हो गई ना, वो क्या पहन रहा है कोई मतलब नहीं, क्या सुन रहा है कोई मतलब नहीं, क्या देख रहा है कोई मतलब नहीं, क्या बोल रहा है, सब प्रमाद की ओर ले जाने वाले हैं। बोलो क्या ये आपको अपने धर्म से विमुख नहीं कर रहे। एक महात्मा जी बैठे थे, वो हंसे तो उसने देखा महात्मा जी को, आप हंसे क्यों, बोले तेरी मूर्खता पे हंसा, तुम बार बार दीवार उठा रहा है और गिर रही है, फिर उठा रहा है गिर रही है, इसी मूर्खता पे मैं हंसा तेरी मूर्खता पर। तो बोले
भगवान ये बताओ कि दीवार उठ क्यों नहीं रही, ये दीवार ऊपर क्यों नहीं उठ रही। बोले भाई तुम दीवार तो उठाना चाह रहा है लेकिन ये बता जी इसकी नींव कहाँ है, इसकी नींव कहाँ है। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, बोले महाराज बेकूफ है ये सारे लोग जो अपना धन और अपनी शक्ति और अपना समय उस नींव में बर्बाद कर देते हैं जो कभी दिखती नहीं है। वृक्ष स्थिर नहीं रह सकता और बिना कंट्रोल रूम के फ्लाइट उड़ नहीं सकती, वैसे ही बिना धर्म के जीवन में ऊपर उठा नहीं जा सकता। कभी तीन काल में भी धर्म के बिना कोई ऊपर उठ नहीं सकता है। ये जरूरी है, जब तक हमारे भीतर में धर्म नहीं होगा तब तक हम ऊपर। जो महत्व जीवन में धर्म का वही महत्व है जो एक बिल्डिंग के लिए मकान के लिए नींव का है। आज का अपना विषय यही है कि धर्म हमारे जीवन का आधार है। आधार को आप छोड़कर आधेय कैसे टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। इसलिए आधार को मजबूत बनाओ, हिले नहीं। लेकिन आदमी आधार को ही पता नहीं। याचे सुर तरु दे सुख चिंतित चिंत रेन, बिन याचे बिन चिंत वे धर्म सकल सुख देन। सुख चैन आप चाहते तो हो, सुख शांति अमन चैन पैसा समृद्धि वैभव, लेकिन ये कब मिलेगा? यहां पर खुद कह रहे हैं बारह भावना में देखो आप, अरे सोचने से नहीं, बिन याचे बिन जांचे बिन चिंत में, बिना मांगे और बिना चिंता किए, बिना आपके मन में आए आपको मिल जाएगा। कब? जब आप धर्म करेंगे। ये है धर्म, इसको आपको उतारना होगा। लेकिन आदमी भ्रम में ही जी रहा है, धर्म में नहीं। वो सोचता है कि मुझे बाहर जो दुकान है उस पर धर्म मिल जाएगा अपनी। सुबह हमने देखा ने कि साढ़े सात बजे उसी समय दुकान खोलती है। तो भैया दुकान के ऊपर तो जाओ लेकिन पहले थोड़ा सा हाँ भगवान को भी देख लो, नहीं तो भगवान के लिए आपने इतना प्यारा सुंदर हथनूर वालों ने मंदिर तो बना लिया लेकिन यदि उसमें पुजारी नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? भगवान भी इंतजार करेंगे कि कोई आ जाए और मेरा अभिषेक कर दे। समझ में आ रहा है? मंदिर किसके लिए? भगवान के लिए थोड़ी। मंदिर तो अपने लिए बनाया हमने, भगवान को वहां पर बैठाया इसके लिए कि भगवान आपको देखकर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर ले, अपने जीवन को उत्थान में ले जाएं, अपना जो पतित जीवन है उसको हम पावन बना ले। ये मंदिर का मतलब बताया। तो इसलिए आपको भ्रम में चार शब्द हैं, भ्रम मर्म कर्म और धर्म। भ्रम कैसा? भ्रम भी चार प्रकार का है। सबसे पहला है स्वरूप विषयक भ्रम। हमारा स्वरूप क्या है यही हमें मालूम नहीं, हम तो रूप के पीछे पड़े हुए हैं। संत कहते हैं रूप नहीं स्वरूप देखो, बाहर नहीं भीतर देखो। हम आत्मा की ओर, तो अभी हरिवंश पुराण में क्या बताया मैंने, इसका महत्व कब तक? जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं हो। रोड भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, बोलो लाइसेंस भी है, लेकिन चलाने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे? गाड़ी कोई काम की है क्या? पिंजरे में पंछी रहता है ना, तब तक ही वो पिंजरे को रखता है आदमी, पंछी नहीं तो पिंजरे को भी अलग कर देता है। बस वो भीतर का पंछी उड़ जाए उससे पहले इस पिंजरे का महत्व समझ लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। अर्थी उठने से पहले वास्तविक अर्थ को समझ लो और चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लो, तभी हमारा ये वास्तविक स्वरूप विषयक भ्रम मिट जाएगा। फिर दूसरा है
अस्तित्व विषय भ्रम। अस्तित्व मतलब हमने क्या किया, जो जैसा है उसको वैसा माना ही नहीं, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मान रहे हैं, जो नाशवान है उसको शाश्वत मान रहे हो, जो शाश्वत है उसको नाशवान मान रहे हो। ये शरीर कैसा है, नाशवान, इसको कितना ही खिलाओ पिलाओ धुलाओ, इसकी खातिरदारी करो, आप 24 घंटे इसकी आरती उतार लो, लेकिन एक दिन आपको ये टाटा बाय बाय, समझ में आ गया, आपको ही कह के चले देगा। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, धोखा देने से पहले धोखे खा लो, धोखे खा लो, धोखे मतलब, तभी आपका अपना ये अस्तित्व विषयक भ्रम भी मिट जाएगा। संबंध विषयक भ्रम, संबंध में हम सबके साथ हैं लेकिन इनमें से एक भी मेरा नहीं। रहो सबके साथ, रमो अपने में। जैसे कि यात्रा करते हो, यात्रा में आपने ट्रेन में बैठे, ट्रेन में कुछ यात्री और थे, आपके बाजू वाले सीट के साथ में आपका भी संबंध उसका हुआ, और उसने बोला कि क्यों भाई, कहाँ के हम, यहाँ के हम, हथनूर से आए, समझ में आ रहा। ये है संबंध विषयक भ्रम, हमने पाल रखा है, गए वे 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी डिप्रेशन में पड़ा है वो आदमी, वो औरत या वो घर परिवार वाले, क्यों, जबकि वो आराम से मजे वहां पर स्वर्ग में या जहां भी वो गया है वहां पर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। यो यत्र निवस संन्यास, तो इसलिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। भेद विज्ञान जो है उसकी बातें तो बहुत करते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन अनुभव कुछ नहीं। भक्त बनेंगे तब भगवान बनेंगे, भक्त बनना नहीं चाहता और भगवान बनना चाहता है, 3 काल में ऐसा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक हाथी बिकने आया। अब उस गांव में पहले बार हाथी आया होगा, एक आदमी जाए और हमारे प्रदीप भाई की तरह उस हाथी को कभी इधर से देखे, कभी उधर से देखे, कभी इधर देखे, तो वो हाथी वाला सोचा ये बना बनाया सौदा मेरा, कैंसिल नहीं करा दे, तो इसलिए उसकी धीरे साइड में लेके गया, उसको 100 का नोट दिया, बोले जा घर जा। वो घर गया, 100 का नोट रख के आया, फिर वापस आके हुई, इस बार फिर वापस उसने देखा महावत ने, उसने 500 का नोट निकाला और बोले अब जा, अब नहीं आना, बार बार आ रहा है। वो 500 का नोट घर रख के आया, वो फिर आया, फिर वही कभी इधर से देख रहा है, कभी उधर से देख रहा है, कभी ऊपर से देख रहा है। अब 2 बार हो गया, अब के बार तो वो महावत भी महावत, बोले तुमने क्या देख लिया मेरे हाथी में, जो बार बार तुम इस तरह से झुकझुक के और ऐसे कर रहा देख रहा है। बोले साहब मैं तो ये देख रहा हूँ इसका मुंह किधर है, मैं तो ये देख रहा हूँ इसका मुंह किधर है, क्योंकि उसने पहले बार अपनी जिंदगी में हाथी देखा था, समझ में आ रहा है। तो आगे से सूंड है, पीछे से पूंछ है, अब इधर से मुंह है या उधर से मुंह, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति होती है। भेद विज्ञान की बातें करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक वे अनुभव में नहीं लाएंगे तब तक वो अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर भी संबंध विषयक भ्रम भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद में है धर्म विषयक भ्रम, धर्म से संबंधित जो है वो भी भ्रम नहीं होना चाहिए। आदमी क्रियाकांड में उलझ जाता है, संत कहते हैं क्रियाकांड में नहीं कर्म कांड को समझो, समझ आ रहा है। हम क्रियाओं में धर्म मान लिए, ये हमारी बालकपन है, बचपनापन है, क्रियाओं में धर्म नहीं होता। धर्म तो अपने आत्माश्रित होता है, हमारे भीतर में धर्म होता है। जब तक हम भीतर में नहीं उतरेंगे तब तक धर्म नहीं। आप बाहर से कितने ही दिखा दिखा कर कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो यहां पर भी इस 4 प्रकार का भ्रम आपको बताया, स्वरूप विषयक, अस्तित्व विषयक, संबंध विषयक और धर्म विषयक भ्रम आप तोड़ो। मर्म की बात यही है, मर्म आपको सवेरे मैंने कहा था, मर्म यानी वास्तविकता, रियलिटी,
क्या है वास्तविकता? जो आया है सो जाएगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो। ये वास्तविकताएं हैं, इन वास्तविकताओं को शुद्ध लाभ हानि संयोग वियोग में समता रखो, यही हमारी वास्तविकता। रियल शब्द की परिभाषा ही मैंने सवेरे आपको बताई थी, आर यानी आर क्या बोल रहे हैं, सुबह बोला था वास्तविकता क्या है धर्म के प्रति। तो आर का मतलब है कि हमें अपने भीतर में रिलेशन संबंध, इनको जो वास्तविक संबंध है उसको अपने जीवन में अंगीकार करना है। रियलिटी जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कर्म, कर्म ये कह रहा है कि कर्म जैसे करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। लेकिन क्या करें, इस बहती हुई नदिया में हर कोई अपना तंबू गाड़ रहा है और उस तंबू के सहारे वो रात अपनी अच्छी बिताना चाहता है, लेकिन करे क्या, एक खूंटा गाड़ता है, नदी का वेग आता है उस खूंटे को बहा ले जाता है, जब तक वो दूसरा खूंटा गाड़ता है पहला वाला खूंटा उठड़ जाता है, जिंदगी ऐसे ही उसकी तमाम हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है। आप अपनी उस जिंदगी को समझो तब इस सही कर्म की ओर बढ़ पाएंगे और धर्म की ओर आ पाएंगे। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, उहा पो के चक्रव्यूह में धर्म द्रुव हुआ, करूं या नहीं करूं। अरे अपन ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो गया, तो आदमी रिस्क लेना ही नहीं चाहता। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आगे बढ़ सकते हो क्या, बोलो। आपको कहते हैं ना, संत कहते हैं चोंच मिली है तो चुग्गा भी मिलेगा, समझ आ रहा है। जिसके कोई भी नहीं है उसका भी पेट आराम से भर रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप आगे अपने आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक एक कदम आगे बढ़ो। आज यहाँ के युवाओं ने सुबह जो संकल्प लिया बहुत अच्छा लगा, कि कम से हमने भी रोक दिया, भगवान बैठे रहे आधा घंटे, मगर बैठेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान का अभिषेक तभी करेंगे जब सारे युवा यहाँ पर आ जाएंगे और संकल्प ले लेंगे कि हम प्रतिदिन अभिषेक यहाँ पर करेंगे। और युवाओं में भी गुरुओं के प्रति भक्ति बेशुमार है, क्योंकि हत नूर नाम ही नूर है, तो इसलिए नूर है तो चमकेगा जरूर, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो बस उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि हम रोज प्रतिदिन अभिषेक करेंगे, ऐसी ही भावना के साथ में वे अभिषेक करें, रोज करें। क्योंकि इधर जो सोचते रहेंगे ना, सोचते ही सोचते, कहते हैं ना हो गया बिहार, मन मेरा करता है चौका लगाऊं और चौका लगा के आहार कराऊं, लेकिन सोचते ही सोचते हो गया बिहार। मन मेरा करता है पूजा कर आऊं, पूजा करके पुण्य कमाऊं, लेकिन सोचते ही सोचते बंद हो गए किवाड़ द्वार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भजन भोजन चार बार, उआ पो मत करो सोचो मत, बस बढ़ जाओ, एक एक कदम आगे बढ़ते चलो। आज की तरह ही आज पुरुषों ने तो, युवाओं ने तो नियम ले लिया, पुरुषों ने भी लिया, लेकिन मैं अब कहना चाहूंगा कि महिलाएं भी पीछे न रहें। और महिलाएं जो कल जैसे कल्याण मंदिर पाठ का आपको कहा गया है, प्रतिदिन शाम के समय कल्याण मंदिर का पाठ यहाँ पर होगा, तो बहुत ही आपको आनंद। पारसनाथ के चरणों में बैठकर अद्भुत स्तुति है, अद्भुत कुमुद चंद्र आचार्य ने लिखी है, उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करेंगे, उन्नत करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कन्नड़ वालों सही दिशा में किया हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं होती। हमारे दिनेश जी,
या वो अम्मा दो चार पांच दस लोट तो और कन्नड़ वाली महिला मंडल भी कई बार आए और निवेदन किए, तो आज हम लोग भी कन्नड़ में यहाँ पर आ गए, क्योंकि सही दिशा में किए हुए पुरुषार्थ या मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती है। बस अब ध्यान ये रख लेना, महत्वपूर्ण योग नहीं, हम थोड़ा तेज स्पीड में बोलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और आपके पास तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, अभी आगे भी और भी प्रोग्राम आप लोगों के निश्चित रहते हैं, तो महत्वपूर्ण योग नहीं, महत्वपूर्ण प्रयोग है। आपको कितना सानिध्य मिला ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन सानिध्य से आपको क्या मिला ये महत्वपूर्ण है, आपने उस सानिध्य का क्या लाभ लिया ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी के साथ में कितने दिन रहे, कम समय रहे, लेकिन उस कम समय में भी उन्होंने वो सब कुछ ले लिया जो आज पूरे के पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को वो बांट रहे हैं और सब लूट भी रहे हैं। यही तो यही आपको करना है, लूट सके तो लूट ले, हाँ लूट सके तो लूट, अंत समय में प्राण जाएंगे छूट, राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और जब प्राण जाएंगे छूट उस समय कुछ भी नहीं रहेगा। अपन को भी गाड़ी तो चलती रहती है, ये तो बहती नदी है, आज आपके द्वार आई है, बस आपको लाभ लेना है, ध्यान रख लेना है। कन्नड़ का शब्द ही कह रहा है ना, दोपहर में और इसकी व्याख्या कर लेंगे कि कैसे कर, और नट यानी नट, नटे मत, न नट यानी करो, नटो मत यानी कमर कस लो, और कमर कस के करना शुरू कर दो, उन्नति के शिखर पर आप जरूर पहुंच जाएंगे, ये कह रहा है कन्नड़ शब्द। लेकिन आप उदाहरण दे देते हैं कि पारस पत्थर होता है ना, पारस पत्थर, वो पारस पत्थर को यदि लोहा को छुला दो तो वो क्या बन जाता है, लेकिन कौन सा लोहा, जिस पे जंग नहीं लगी हुई हो, समझ में आ रहा है। यदि जंग लगी हो तो आप उसके साथ में बांध भी देंगे तो भी वो सोना बनने वाला नहीं है। अपने पूर्वाग्रह की जंग को थोड़ा सा पहले घिस देना, वो यदि जंग आप दूर कर देंगे फिर आपको भी सोना बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारे यहाँ तो दो कदम आगे की बात करता है जैन धर्म कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। हम तो यहाँ पर पारस बनाने की बात करते हैं, आपसे भी कोई छुएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। सोना बनाने की यदि फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो बस आपको आना तो पड़ेगा, आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मोबाइल होता है, उस मोबाइल को आप लोग चार्ज करते हो रानू भैया, लेकिन चार्ज कब होता है, जब आप पिन उसमें चार्जर में लगाते हो, और फिर उसके बाद में क्या करते हो, स्विच ऑन कर दिया, फिर उसके बाद में क्या करते हो, मोबाइल के अंदर में देखते भी हो कि इसमें सिग्नल आ गया नहीं आ गया, कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं है, पिन सही तो नहीं लगी है। यदि पिन सही नहीं लगी तो आप पिन को थोड़ा हिलाते भी हो, नहीं हिलाते हो, बस यहाँ पर भी हम लोग कन्नड़ वालों के मोबाइल को चार्ज करने आए हैं, लेकिन आप अपनी अपनी पिन को देख लेना, ऐसा नहीं हो कि कनेक्शन ही लूज हो, हम यहाँ से देते रहे, आप बोलो महाराज हमें तो कछु नहीं मालूम, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर कछु नहीं में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपना होता क्या है कि आदमी जो है ना ध्यान से काम करे, और प्रायोरिटी, कल मैंने कहा था कि प्रायोरिटी तय करो, प्राथमिकता क्या है, कल बच्चों को हथनूर वाले बच्चों को हमने कहा कि प्राथमिकता यदि आप दे लेंगे, यदि हमारे यहाँ महाराज जी आए हैं और हमको पूरा लाभ लेना है, यदि इस प्राथमिकता को आप तय कर लेंगे तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक था वो जल्दी में था, लेकिन जैसे आया, पहले हमेशा आता था, अब शादी हो गई थी तो आना कम कर दिया उसने, होता ही है जब ब्याह शादी हो जाए तो उसके बाद में आना कम हो ही जाता है। अब वो आया जल्दी में था, तो हमने बोला भैया अब तेरा ब्याह शादी हो गई,
कुछ नियम ले ले एकाद, तो वो क्या बोलता है, अरे महाराज जी अभी कोई उम्र है क्या नियम लेने, अभी तो ब्याह हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ, अभी इतनी छोटी उम्र में कहाँ उम्र लेंगे। तो वो जल्दी में था तो हमने पूछ लिया, भैया तुम जा कहाँ रहा है, तो वो बोलता है LIC ऑफिस। LIC ऑफिस, हाँ वो अब शादी ब्याह हो गया पता नहीं, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी जाती है, एक आध कोई पॉलिसी खरीद ले, ऐसा हमारा भाव बना और हम LIC ऑफिस। एक ही समय बहुत जल्दी रंग बदलता है आदमी, जब हमने उससे बोला नियम ले ले, तब बोल रहा है कि अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, और जैसे ही हमने पूछा इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है, बोले LIC ऑफिस में कोई पॉलिसी खरीद ले, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। बोलो गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलेगा जितना जल्दी आदमी इंसान रंग बदल लेता है, ये स्थिति होती है। तब हमने कहा भैया कुछ नियम संयम का काम कर ले, कन्नड़ वालों से भी यही कहना चाहेंगे कि भैया दो दो ये जिनाले क्या है, ये बीमा भवन है, और भगवान महावीर स्वामी के दो एजेंट आपके सामने आए हैं, आप भी बहुत सारी नई नई पॉलिसियां लाए हैं, बहुत सारी पॉलिसी है, आप कोई भी पॉलिसी में अपना बीमा कर लेना, और हमारे भगवान महावीर स्वामी तो हम लोगों को एक बात और जब बोले, एजेंट तो हैं हम दोनों, लेकिन वो बोलते हैं कमीशन तुम्हें नहीं लेना, कमीशन भी उन्हीं को दे देना, आप इकाई कमीशन आपके लिए है, बस जरूरी है आप कोई ना कोई पॉलिसी जरूर खरीद लेना, जो पॉलिसियां लाए हो सुबह से शाम तक रात तक, रात में भी स्वाध्याय हो जाएगा, समझ आ रहा, जो जिनके लिए, तो वो कोई ना कोई पॉलिसी में अपना जरूर आप बीमा करवा लेना। लेकिन उसके पहले ऐसा हुआ, एक उदाहरण और दे देता हूँ कि एक राजा था, और उस राजा ने एक संत को निमंत्रण दिया कि भगवान मेरे दरबार में भी एक बार, एक मेरे घर पे भी आहार हो जाए, आहार सभी चाहते हैं, यहाँ पर भी कन्नड़ वाले भी, लेकिन वो निमंत्रण वाले महाराज थे, ये बिना निमंत्रण वाले हैं, यहाँ निमंत्रण का कुछ नहीं चलता, आमंत्रण निमंत्रण कुछ नहीं। तो वो बोले, संत बोले चल तेरे यहाँ राजमहल में मैं भिक्षा के लिए आऊंगा। अब क्या था, जब संत ने बोल दिया फिर तो पूरा राजमहल दुल्हन की तरह सजा दिया, और जैसे ही पाटे पर उनको बैठाया, कटोरा अपना लाए थे, बोले देख मैं अपने कटोरे में भिक्षा लेता हूँ दूसरे में नहीं। राजा ने अच्छी खीर बनाई थी, और वो खीर का चमचा आगे बढ़ाया, इधर से संत ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया, अब कटोरा जैसे ही था तो उसको देखते ही राजा ने अपना हाथ पीछे कर लिया, क्या हुआ आपने हाथ पीछे कर लिया, फिर से वो कटोरा आगे बढ़ाए, वो राजा हाथ पीछे कर ले, भैया इसमें डालना, बोले भगवान इसके अंदर में कचड़ा है, कचड़ा आपके कटोरे में कचड़ा है, उस कचड़े को तो पहले दूर कर दो, नहीं तो मेरी अच्छी खीर खराब हो जाएगी, बढ़िया खीर बनाई है वो कचड़े के अंदर तो ही डालना है, वो तो फिर खीर ही पूरी चली जाएगी। तो तभी उन्होंने भी उपदेश दिया, संत ने भी, कि कल तुम तत्व उपदेश की बात सुनना चाह रहा था कि कुछ उपदेश दे दो, तो उपदेश यही है कि हम अपने भीतर का, जब तुम कटोरे के अंदर कचरा है तो खीर नहीं डाल सकता, तो तेरे भीतर मन में पूर्वाग्रह का यदि कचरा है तो हम अपनी अच्छी खीर कैसे डालेंगे, वो खीर भी खराब हो जाएगी, इसलिए खीर यदि आप लेना चाहते हो तो अपने भीतर का वो पहले जो भी कचरा है उसको सबको साफ करके अलग कर दो, आपको शुद्ध स्वादिष्ट सुगंधित अच्छी खीर परोसी जाएगी, और उस खीर के माध्यम से आप भी पुष्ट होंगे, और अपने जैन धर्म की प्रभावनाओं को भी आगे तक अपन पहुंचाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब हम एकजुट रहकर आगे बढ़ेंगे, एकजुट हो एक से नहीं जुड़ो, गुरु जी का हाइकू है, एकजुट हो एक से नहीं जुड़ो बेजोड़ बनो, बस बेजोड़ बनेंगे तो हमारी ये सब कुछ आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। घर गृहस्थी में चार बात और बोल दूं आपको, घर गृहस्थी में यदि आप आगे, आज के चार सूत्र हैं ये, कि सुख शांति अमन चैन चाहते हो, समाज में सुख शांति अमन चैन चाहते हो, परिवार में सुख शांति अमन चैन चाहते हो, तो इन चार को अंगीकार कर लेना, और वो है 4D। 4D क्या है,
आजकल तो 4D सिस्टम चलता है ना, 4 डायमेंशन, तो यहाँ पर 4D दूसरा है। 4D का मतलब 4D है ये, और वो है सबसे पहला है डाइवर्ट। कुछ बातें ऐसी होती है उनको डाइवर्ट कर दो, बहुत सारी बातें होती है, आप यदि उनको गांठ बांध कर बैठे रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर है डाइल्यूट, कुछ बातें हैं जिनको डाइल्यूट करो। पहले संयुक्त परिवार क्यों रहता था, इसलिए रहता था उन बातों को डाइल्यूट कर देते थे, कौन सी बात को पास करना है, कौन सी बात पे ध्यान देना है, ये बड़े बुजुर्ग सब जानते थे। तो डाइवर्ट करो, डाइल्यूट करो, और फिर कुछ बातें ऐसी है जिनको डिलीट कर दो। तीसरा डी क्या है, डिलीट, उनके ऊपर ध्यान ही मत दो, वो डिलीट कर दो। और चौथा है डिफीट, यानी हारना भी जीत कहलाता है, डिफीट हो जाओ सामने वाले से, हारना भी आपकी जीत का सूत्र बना देगा। इसलिए डाइवर्ट करो, डाइल्यूट करो, डिफीट और डिलीट करो, तभी आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़े इसी भावना के साथ, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान के बारे में बता दें, बहुत अच्छा। तो अब भगवान बनने की बात चल रही है और आपको आचार्य श्री, वैसे तो रोज सुनाता ही हूं मैं, लेकिन फिर भी आज शुरुआत बाद में करते थे, आज अपन शुरुआत पहले करते हैं आचार्य भगवान की, क्योंकि दिन आचार्य श्री जी का है। तो आचार्य श्री जी की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, कि एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि शिष्य तो शिष्य, और शिष्य के बीच में बहुत सारे बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार की बात है कि पूज्य गुरुदेव करेली पंचकल्याणक करने के पश्चात गजरथ महोत्सव बहुत सा आनंद संपन्न हुआ, 14 फरवरी से 21 फरवरी 2000 आनंद संपन्न हुआ, और आचार्य भगवान विहार करते हुए संघ सहित छिंदवाड़ा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। जब छिंदवाड़ा जा रहे थे तो छिंदवाड़ा के पहले एक सारना नाम का गांव था, उस सारना नाम के गांव में आहारचर्या हुई, और जब आहारचर्या हुई तो आहारचर्या के बाद जो है वो पास में ही, मतलब जहाँ आहारचर्या हुई थी उसके बाद 5 किलोमीटर पर मेघा सिवनी नाम का गांव था, बड़ा शहर था, रात्रि विश्राम वहीं करना था। तब शाम को कम चलना है, कम चलना है, तो जब कम चलना होता है तो सब महाराज लोग आचार्य श्री के चरणों में पहुँच जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी MMB बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, जब महाराज लोग थे तो हमारे कुछ कोडवर्ड्स थे, उस कोडवर्ड्स में MMB का मतलब क्या है पता है, नहीं पता, नहीं मालूम, मीठी मीठी बातें। तो गुरुदेव के चरणों में जाकर वो मीठी मीठी बातें करने का हमेशा भाव होता था कि चलो आज कम चलना है और गुरुदेव के पास चलते हैं। सभी महाराज लोग मिलकर जो है वो आचार्य भगवान के पास पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद 1:30-2 बजी थी, और गुरुदेव के चरणों में पहुँचे, और जब चर्चा चलना प्रारंभ हुई तो आचार्य भगवान ने बोला, तो ये जो आज की जो मैं चर्चा बता रहा हूँ, शिष्यों ने लिया गुरु का साक्षात्कार, आप वो इंटरव्यू लेते हैं ना, तो ये मान के चलना आचार्य भगवान का इंटरव्यू चल रहा था, आचार्य भगवान इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो वो इंटरव्यू किस प्रकार का था आज वो इंटरव्यू आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, बहुत अच्छा वह इंटरव्यू हैगा। जब आचार्य भगवान के पास सब महाराज लोग पहुँचे तो आचार्य भगवान, आहार की चर्या की बात चल रही थी, तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि साधक को अपना आहार विहार और निहार का ठीक तरह से ध्यान रखना चाहिए, उसका नियंत्रण उसके ऊपर होना चाहिए, अन्यथा वो बीमार पड़ सकता है, उसकी साधना ठीक नहीं चल सकती है। तो अब जो शिष्य सब महाराज लोग थे उनमें से एक महाराज जी ने बोला, बोले आचार्य श्री निहार और विहार तो हमारे हाथ में है, लेकिन आहार थोड़ी हमारे हाथ में, आहार तो शावक के हाथ में, वो कुछ नहीं हो सकता है, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और अंतराय आदि आ जाते हैं तो बड़ी गंभीर अवस्था और व्यवस्था बन जाती है। आचार्य श्री जी बोले कि आहारचर्या हमारी पराधीन है, उस समय हमें पता चलता है कि त्याग का क्या महत्व होता है, और जीवन की शुरुआत ही त्याग से हमारे जीवन में प्रारंभ हुई थी। तो आपके जीवन में त्याग से प्रारंभ हुई थी, क्या हुआ था, प्रश्न फिर उठ गया। तो आचार्य श्री बोले ये बहुत पुरानी बात है, वो कब की बात है, बोले जब हम आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज के पास जा रहे थे उस समय की बात है। उस समय, बोले उस समय त्याग से ही भूमिका प्रारंभ हुई थी, और हमारे 2 उपवास हो गए थे,
बोले दो उपवास हो गए थे कैसे, आप क्या, आप कहाँ से कहाँ गए थे और किस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी को आपने प्राप्त किया? तो बोले हुआ ये कि हम लोग देशभूषण सागर जी, आचार्य देशभूषण सागर जी के संग में थे और जयपुर चतुर्मास सानंद संपन्न हुआ, और चतुर्मास जब सानंद संपन्न हुआ तो चतुर्मास के बाद आचार्य भगवान गए गौमटेश्वर बाहुबली के महामस्ताभिषेक को करने के लिए। अब संघ सहित हम लोग जो है गए, अब वहाँ महामस्ताभिषेक हमने बहुत अच्छे से किया और मस्तकाभिषेक के बाद जो है आचार्य भगवान स्तव निधि अपने संघ सहित आ गए। जब वो स्तव निधि आए तो वहाँ पर हमसे मिलने हमारे बड़े भ्राता आ गए। अब जब बड़े भ्राता आ गए तो हमें लगा अभी ये आए हैं बाद में परिवार, और वो एक ही बात बोले चलो चलो, कहाँ चलो, घर चलो, और घर की बात करने लगे। हम डर से गए कि अब क्या होगा, ये तो घर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो फिर वहीं हमने विचार किया कि हम जो है हमें यहाँ नहीं रहना, हमें ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है और अभी उसकी प्राप्ति करना है। तो इसलिए हमने वहीं से विचार बनाया और ज्ञान सागर जी के विषय में देखा था, मतलब ज्ञान सागर जी को हमने सुना था तो हम वहाँ चले गए। तो फिर सुना था तो क्या कभी आपने आचार्य ज्ञान सागर जी के दर्शन किए थे क्या? बोले नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी को तब तक हमने नहीं देखा था। फिर आपने किसके मुख से सुना, कैसे पता चला ज्ञान सागर जी हैं? तो उन्होंने कहा तो हम चूलगिरी जयपुर में चातुर्मास कर रहे थे, उस चातुर्मास की अवधि में एक ब्रह्मचारी जी थे जो अजमेर के रहने वाले थे और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के विषय में इतना बताया, इतने गंभीर है, इतने ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत में उन्होंने अनेक टीकाएँ लिखी है और जब वो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सब उनको सुनने के लिए तरसते हैंगे, एक एक शब्द उनके मोती जैसे झरते हैंगे, हर शंका का समाधान, हर आगम की गुत्थी उनके पास सुलझती है, बड़े बड़े विद्व उनके चरणों में आते हैं। तो तब से एक भाव थे कि ऐसे साधक के पास मुझे जाकर पढ़ना है और बस मुझे लगा यहाँ मैं अच्छे से नहीं रह पाऊँगा, सेफ नहीं रह पाऊँगा, तो मैंने तभी मन बनाया और मन बनाने के बाद जो है मैं वहाँ से अजमेर की ओर मैंने प्रस्थान करने का मन बनाया। तो फिर पूछा आचार्य श्री कहाँ से गए, किस प्रकार से गए, वो तो बताओ। तो बोले बस क्या था, कोल्हापुर से मैंने ट्रेन ली तो कोल्हापुर से बैठा और कोल्हापुर से आगे बढ़ गया। तो टिकट, बोले टिकट तो हमने पहले ही ले ली थी। अच्छा रिजर्वेशन, बोले उस वक्त रिजर्वेशन का कोई काम था नहीं और हम रिजर्वेशन में कोई चीज़ समझते भी नहीं थे, क्या रिजर्वेशन है, क्या किस प्रकार का है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ गए। अब आचार्य श्री से ये बात ही चल रही थी तो आगे आचार्य श्री से पूछा कि आपने टिकट, फिर टिकट थी तो फिर पैसा वगैरह? बोले हाँ पैसे से टिकट ली और फिर कुछ पैसा बच गया था। कितना पैसा बचा? तो बोले 4-5 रुपये बच गए थे, उसमें 5 रुपये की कीमत बहुत होती थी। तो फिर जब 5 रुपये बढ़ गए थे तो आपने उपवास क्यों किया? अब बोले उपवास के उपरांत, नहीं उपवास के उपरांत नहीं, बोले उस समय 2 उपवास मेरे हो गए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर।